दूसरी बात मैं पूछ रही हूँ कि ये कितना जुल्म है। वैसे तो ये पुराने पापी हैं इस जगह के। अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी नून लीग वालों ने किया था। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, तारीख का हिस्सा है। हमला किया था, जजों को वहाँ से दौड़ाया था, भगाया था, जो भी किया था इन्होंने। अब वो मरियम नवाज जो हैं वो दोबारा जुडिशरी के पीछे पड़ी हुई हैं। उनको ये मसला बना हुआ है, भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आपका आईन इजाज़त देता है कि आप असेंबलियाँ तहलील कर दें। हमने असेंबलियाँ तहलील कर दी, हम नई तारीख मान रहे हैं इलेक्शन की। ये इलेक्शन से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, क्योंकि इनको पता है कि इनकी मुंह की खानी पड़ेगी। इलेक्शन में इमरान खान ने दोबारा जीत जाना है। उस मुसीबत के अंदर रोजाना एक तमाशा खड़ा। अब वो खड़े होके और मरियम नवाज जो हैं वो रोजाना एक तकरीर देती हैं। मैंने इससे ज्यादा झूठा बंदा, इससे ज्यादा मैं कई दफा दिल में सोचती हूं कि बीबी मैं जब सही कहती थी तुम्हारी परवरिश ही नहीं ठीक हुई। अगर तुम्हारी परवरिश ठीक होती तो तुम ऐसा ना निकलती। तुम्हारे बाप ने पहले दिन से बताया था कि दो नंबर काम हो सकता है। तुम भूलना मत, जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कनेड कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था। अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो। तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। मतलब यही काम कर सकते थे ना, उन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया। वो सारा कनेड कॉलेज जो है सड़क के ऊपर आ गया। उनको कहे रिफ्यूट करे, इनकार करे इस बात से जो मैं बात कर रही हूँ। सारा आ गया, उन्होंने मिसेस फैलबूस, और मिसेस फैलबूस थी उस जमाने में प्रिंसिपल, उनको वापस रखा गया। फिर ये चली गई वहां, आपको पता है फौज, ये कहते ना हम अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। वो चले गए सीएमएच के अंदर, खास तौर पे जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर एक सीट बनाई गई इनके लिए। ये वहां जाके दाखिल हो गई क्योंकि नंबर कम थे, एफएससी में नंबर कम थे, उसकी वजह से उनको वहां लेके गए। उसके बाद उनकी माइग्रेशन करा दी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसका सबसे हाइस्ट मेरिट होता है। बीबी वहां पहुंच गई, मैं तो उस जमाने में पढ़ाती थी वहां, क्लासें अटेंड नहीं करती थी, दाखिला जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दाखिला नहीं भेजना क्योंकि इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो जिस प्रोफेसर ने दाखिला इनकार किया उस प्रोफेसर को एसटी लगा दिया। तो वो तो बेचारी पहले दिन से उसको पता है कि मैं अब्बा जी को कहूंगी तो मेरे अब्बा जी ने ये भी कर देना और ये भी कर देना। बीबी ऐसा काम नहीं होगा, तुम पहले अपने आप को उस से ढकोसले से निकालो। हम हुक्मरान खानदान, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि आप चोरों का खानदान हो, आप डकैतों का खानदान हो। सारे पाकिस्तान को पता है कि आपने पाकिस्तान को लूट खाया है। पनामा लीक्स हमारी लीक्स नहीं थी, कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने निकाली थी। जाओ जाके उनको, उनके ऊपर जाके केस करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारी दुनिया में तुम लोग बदनाम हो, और सारी दुनिया की बदनामी हमें कि जी हमारा लीडर, ये जो पाकिस्तान का जो वो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे बड़ा चोर है। अब ये बताइए, हमारे वक्त में आपके आपके अब्बा जान को निकाला गया था? हमने निकाला था आपके अब्बा जान को, तो आपकी हुकूमत के अंदर ही निकाला गया था। और साथ ही आपने सागडार को जल्दी से वो अपना ये क्या नाम है, इन्होंने जो हमारे आजकल उनसे नाराज है, खाकान अब्बासी साहब ने जहाज में बिठाया और जल्दी से उनको उधर पहुंचा दिया। वजह यह थी कि 2002 के अंदर अपना इसहाक डार साहब ने ऑलरेडी, आपको पता है, वादा माफ गवाह बने हुए थे और उन्होंने बाकायदा साइन कर दिया था हुदैबिया पेपर मिल्स का। ये सारी बातें जो मैं कर रही हूं, निकाल ले इनको, इनको कहे मैं झूठ बोल रही हूं तो मैं बताती हूं आपको। कम एंड सिट विद मी एंड डिबेट विद मी ऑन दिस। हुदैबिया पेपर मिल का आज भी केस खुले तो सारी मनी लॉन्ड्रिंग आपकी पता चल जाएगी। तो खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों पर रहम करें, मेहरबानी करके रहम करें। आप बहुत पॉपुलर हैं, इलेक्शन करवा लें, खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पे अगर कोई ऐसी मैंने गलत बयानी कर दी है तो मैं मौजूद हूँ। आप डिफेमेशन का केस कर दें कि आपकी बड़ी बदनामी और बेइज्जती हो रही है, पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लोग ना बहरे हैं, ना गूंगे हैं, ना नाबीने हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया और सब कुछ पहचान लिया है। और ये आपने आसे पास जो छान बूरा इकट्ठा किया हुआ है ना, अगर आपका ख्याल है इसकी वजह से आप सर्वाइव कर जाएंगे तो भूल जाए। इलेक्शन कराओ, खुद ही पता चल जाएगा। आप पॉपुलर हो गए तो इलेक्ट हो जाओगे, नहीं पॉपुलर हो गए तो दूसरी पार्टी इलेक्ट हो जाएगी।
पाकिस्तान की आवाम का ये हक है। तो आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ये बताने लगी हूँ आपको, आखिरी नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑडियो लीक्स है उसका हमने पटिशन दायर की है, उस पर एक ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाई कि आपने एविडेंस हमें देना है। तो असी तो कहते तो सारे को सारे को एविडेंस है, तुम चला चलाओ जरा सारे माशाल्लाह जितने चैनल से उन्होंने चला चला मेरी ऑडियो, तो मैंने कहा शायद सुनी ली होगी कोर्ट ने, लेकिन अब हम उनकी उनकी तरफ भेज देते हैं, वो सारा ऑडियो जो है वो भी भिजवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमें आप एविडेंस भिजवा दीजिए, वो भी भिजवा देंगे उनको, ताकि उसके बारे में कुछ शक व शुबा ना हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, उस एजेंसी तक मैं जरूर पहुंचूंगी जिसने ये ऑडियो टेप किया और फिर लीक किया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि फेयर ट्रायल 2013 एक्ट के मुताबिक उनको सजा मिले। जी वो सवाल उस वाली है, देखिए बेटा जहां तक जेल भरो तहरीक है बेटा, मकसद एक सेकेंड सबसे बड़ी ये बात है, पहले तो ये बात आप सोच ले कि हमने क्यों की। लोगों का ये ख्याल था कि जब ये हमें जेलों में डालेंगे तो शायद डर के हम भाग जाएंगे, तो हमने कहा हम खुद चले जाते हैं जेल के अंदर। जेल में चले गए और ये जो कहा जा रहा है ना कि जमानतें की हैं, वो ये नहीं है, हम सिर्फ ये पता करना चाह रहे हैं कौन बंदा किधर है हमें, ताकि इन्फॉर्मेशन हो। जैसे अब मुझे पता है मेरे 60 टाउन वाले किधर किधर है, मैं तो इन्फॉर्मेशन लेनी थी ना, उनकी फैमिली को बताना है, उन लोगों ने वॉलंटियर किया, पर मेरा भी तो फर्ज बनता है उनके घर वालों को बताऊं कि उनके घर वाले किधर हैं, ऑन दे आर ऑल राइट एंड दे लुकिंग। कोई ऐसा आप फिक्र ना करें, जेल भरो तहरीक चल रही है, कल इंशाल्लाह गुजरांवाला में होगी, तशरीफ लाए ना आप सारे गुजरांवाला। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि कल ख्वाजा आसिफ ने मौलवी असेंबली में खिताब किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान का कौन सा दफन है, कितनी देर में तो छत पे लेटर भी तैयार हो जाता है, और इमरान खान जो है वो सेहतमंद नहीं हो रहे हैं। इमरान खान सेहतमंद नहीं हो रहे हैं? अच्छा मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ जो है ना उसके मुंह को तो वैसे ही कुछ लगा हुआ है, मतलब ख्वाजा साहब ने आज तक कभी कोई काम की गल कही नहीं, लेकिन शुक्र है उन्होंने ये कहा, वो जो उनकी कहावत है ना कि कोई शर्म करो कोई हया करो, उससे हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम उनको 10 दफा बता चुके हैं कोई शर्म करो कोई हया करो, वजह है कि तुहाडी लत ते गोली लगे तो मैंने तो उसी दस देना कि अगर 3.5 महीने तो पहले तुहाडी हड्डी जुड़ती है या नहीं जुड़ती। मैं एज अ डॉक्टर आपको बता रही हूं कि हीलिंग प्रोसेस टिबिया का, क्योंकि टिबिया बोन जो है आपकी वेट बेयरिंग बोन है, उसकी हीलिंग के अंदर वक्त लगता है और टाइम लगता है। तो अगर खान साहब क्यों बहाना करेंगे, गोली मारी आपने, गोली भी खुद मारी है तुम लोगों ने, उसके बाद आप कहते हैं गोली मारी है तो तुसी आपकी इंजरी तो कोई नहीं हुई। आपको यह भी बता दूं कि जिस उस वक्त मैं मिनिस्टर थी, मैंने खास तौर पे अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की पूरी फोरेंसिक टीम को बुलाया था कि आप आके एग्जामिन करें, तसल्ली करें, एक्सरे करें, जो आप मुनासिब समझते हैं और इमरान खान साहब की रिपोर्ट दें। उन्होंने बताया था सारी इंजरी के बारे में, सारी एक्सरे के बारे में, रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं। इस वजह से कोई इस बंदे को बात नहीं कर सकता, वक्त लगता है हीलिंग का, और खान साहब ने तो इनकार किया ही नहीं, वो तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी, मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी जब वो कोर्ट के अंदर गए हैं, आज भी आप देखें तस्वीरें जो चल रही हैं तो वो लिंप करके चल रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं, तो कोई बंदा क्या जानबूझ के ये करता काम, शर्म आनी चाहिए उसको। ख्वाजा आसिफ को तो वैसे ही मेरा ख्याल है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी जी देखिए देखिए मेरा मेरी हमेशा जिंदगी के अंदर मैं इस बात को सोचती हूँ कि मेरा तो जुडिशरी पे बड़ा इत्माद है, मैं हमेशा जजों के पास ही गई हूँ, मैं हमेशा कोर्टों में गई हूँ, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेजॉरिटी केसेस में नतायज आ जाते हैं। आप किसी का आप टेलीफोन टैप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कोर्ट से इजाजत लेता है, और वो भी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से इजाजत लेने के बाद वो अगर टेप करेंगे, उसके बाद वो सारा एविडेंस कोर्ट में जमा होता है, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इस बंदे के ऊपर एफआईआर लिखी जाए या ना लिखी जाए। बेसिकली टेररिस्ट से जान छुड़ाने की उन्होंने बेचारे अपने टेररिस्ट जड़े तो फड़े नहीं जा रहे, वो सानू उन्होंने टेररिस्ट बना लेते हैं। जी जी
जबान पर। जी जी कोई डिस्कशन हुई है कि खान साहब नौ का नौ का समय है इस्लामाबाद का, खान साहब की जो रवानगी या इस्लामाबाद डिपार्चर लैब में अपील होने के लिए उनकी उनकी एहलिया का भी साथ समझ हुआ है, तो कोई इस किस्म का प्लान अभी तक मैं उसके बारे में मेरा ख्याल है मेरे लिए जवाब देना इसलिए मुश्किल है कि बेटा मेरी अभी इस पर डायरेक्टली बात नहीं हुई उनसे, होगी तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। बहुत अच्छा जी जी आखिरी सवाल बोल ले बोल। जी आपने जिक्र किया जो पनामा लीक्स वगैरह और लीगल केसेस थे नूनली के खिलाफ मार्शल के खिलाफ भी आपके दौर के नहीं थे और इसी पे तफुजात है नूनली को भी कि इसमें सारा जो कुछ हुआ नहरी हुई सजाएं हुई है जनरल बाजवा का किरदार था सारा और उसके बाद जब आप अपोजिशन में आके बैठ गए आप भी जनरल बाजवा को निशाने पर रखे हुए हैं नूनली को निशाने पर रखे हुए तो क्यों नहीं आप लोग सारे एक मामले के ऊपर आकर ये जो मामला मजबूत हो ऐसे किरदार हैं जो जो सियासतदानों को नहर करते हैं सजाएं दिलवाते हैं बैकडोर से पावर उनके पास है इनको कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं आप लोग सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट के पीछे पड़ते हैं और उनको कमजोर कर रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं अगर आपकी सही तरीके से इलेक्शन हो जाए बगैर मैनिपुलेशन के आपकी जमहूरियत खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। हमारे पीछे कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है ना, हमारे पीछे कोई अदारा नहीं है, हम सारे उन्होंने हमें कहा है कि हम सारे इधर हैं आप अकेले उधर हैं। हमने इलेक्शन लड़ी जुलाई में आपके सामने है 20 सीटों में से हमने 15 सीटें जीत ली, आप उनको मुंह की खानी पड़ी सबको। इन्होंने कहा था कि जी असेंबली के अंदर 186 नंबर पूरे नहीं होंगे गोल्डन नंबर, वो भी पूरा कर दिया। तो हमेशा याद रखिए अवाम की ताकत जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत है और हम बार बार जो बात आप लोगों से कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नई इलेक्शन करवा दें ताकि अवाम की ताकत का पता चल जाए अवाम किसके साथ खड़ी है। अब कोई चीज अवाम से छुपी हुई तो नहीं है ना, अवाम को भी पता है कि सारे अदारे हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, पता है ना अवाम को। अगर अवाम उसके बावजूद हमें वोट डालती है तो व्हाट इज द मैसेज विच मस्ट गो, फिर मैसेज जाता है कि हम जमहूरियत के साथ हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।